बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री पे, 30 पे, 45, 60, 90 पे, वो आप किस तरीके से साइन, कॉस, टेंजेंट या इनके जो रेसिप्रोकल हैं सेकेंड, कोसेक और कॉट, वो आसानी से आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो वो हम देखते हैं, वो आप किस तरीके से उनको याद रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें ये हमने वैल्यूज लिखी हैं एंगल्स की, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, और इस साइड पे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा रेशियोज लिखे हैं जिनके हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने ट्रिक में क्या होगा कि आपने क्या करना है, लिखना है 0, 1, 2, 3, 4 के आपने वैल्यूज लिख लेनी है। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करना है, इनको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 0/4 0, 1/4 ऐसे ही रहेगा, 2/4 को आप लिख सकते हो 1/2, 3/4 ऐसे ही रहेगा और 4/4 1 आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज का अंडर रूट ले लेना है। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 0 √1/4, √1/2, √3/4, √1। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का 1, 4 का 2 के बराबर, ये 1/2 हो जाएगा, 1 का √1, √2 ऐसे ही रहेगा, √3/4 है, 4 का √2 हो जाएगा, तो √3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और 1 का √1। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई 0, 1/2, 1 और √2, √3/2, 1। तो ये वैल्यूज आपने साइन के सामने लिखनी है, 0, 1/2, 1 और √2, √3/2 और 1। तो ये साइन की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 0, 30, 45, 60 और 90 पे। अब आपने कॉस की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इन्हीं वैल्यूज को आपने रिवर्स लिखना है, कि आपने 1 से स्टार्ट करना है और फिर इस साइड पे 0 की तरफ आना है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2, 1 ओवर √2, 1/2 और एंड में 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट, टेंजेंट थीटा की आपने वैल्यू लेनी है। तो टेंजेंट थीटा जो है वो आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा के। तो इसका मतलब है अगर हम साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड कर दें तो टेंजेंट आ जाएगा। तो देखें 0/1, 0 और एनी नंबर इक्वल्स टू 0, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें 1/2 √3/2, 2 डिनोमिनेटर में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1/√3। ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से डिवाइड होगा, कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और 2 कट जाएंगे, तो √3/1 या √3 आप सिंपली इसको लिखेंगे और ये बन जाएगा 1/0। 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको हम कहते हैं अनडिफाइन या इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा और बाकी जो आपके पास रेशियो हैं सिकेंड, कोसेक और कॉट, वो आप इनके रेसिप्रोकल लेके इनको वो भी लिख सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर और लाइक करें। थैंक यू।